व्हाट्सअप दोस्तों, क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आपको तो पता है कि रियलमी की नंबर सीरीज जो है वो कितनी पॉपुलर रही है। आपको पता होगा रियलमी 9 सीरीज आई, उसमें आपको कितने पॉपुलर फोन्स देखने को मिले जो कि मतलब नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। और अभी रियलमी की तरफ से रियलमी 10 सीरीज आने वाली है और इसमें भी आपको बढ़िया से बढ़िया फ़ोन देखने को मिलते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी 10 प्रो प्लस 5G के बारे में। और दोस्तों ये जो फ़ोन है वो लिस्ट हुआ है NBTC, BIS, TKDN और EEC सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर। यानी कि ये जो फ़ोन है वो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में हमें देखने को मिल सकता है। ये पहले चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद हमारे इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इस फोन की कुछ लीक्स भी आ चुकी हैं, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इसी एक वीडियो में, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस फोन के डिज़ाइन के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऐसा आपको डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। ये इसकी फोटोज से, ये ऑफिशियल फोटो है, ऐसा आपको डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। अब इसमें ये ब्लैक एंड वैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, जैसे हमें रियलमी 9 प्रो प्लस देखने को मिला था ग्लोइंग बैक जैसा, वैसा ही आपको देखने को मिल सकता है। और इसका जो कैमरा सेटअप है वो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें जो मेन कैमरा होगा और नीचे जो कैमरा होगा उसमें आपको दो सेंसर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और आप एक और अच्छा काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, यहाँ पे आपको ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आपको देखने को मिलेगी। और ये जो डिस्प्ले कर्व डिस्प्ले रहने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और HDR 10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। और प्रोटेक्शन के लिए आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, यानी कि आपको बढ़िया डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाएगा। और हाँ, ये पंच होल डिस्प्ले रहने वाला है। और कैमरे की अगर हम बात करते हैं, तो कैमरे में आपको 50 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है। और बाकी के दो सेंसर जो होंगे उनके बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन मैंने कुछ वेबसाइट सर्च की तो उसमें पता चला कि 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है, जो कि मतलब ठीक ठाक है, मेन कैमरा का ही काम आपको पड़ने वाला है ज़्यादातर। और मेन कैमरे में आपको OIS भी देखने को मिलने वाला है, जो कि एक अच्छी बात है, आपकी वीडियोस को शेक होने से बचाएगा। और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिससे आप अच्छी सेल्फीज ले सकते हैं। और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो MediaTek Dimensity 1080 देखने को मिलने वाला है, जो कि एक बढ़िया प्रोसेसर है और नया प्रोसेसर ही है, और इसमें आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और एंड्रॉयड 12 देखने को मिलने वाला है, और Realme UI 3.0 देखने को मिलने वाली है, यानी कि आपको सब कुछ लेटेस्ट देखने को मिलने वाला है इस फ़ोन में, तो आपको बढ़िया फ़ोन प्रोवाइड किया जाता है। और बैटरी के मामले में भी ये बढ़िया फ़ोन निकल के आता है, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी और 67W की आपको चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आपको देखने मिल जाता है। और दोस्तों, अगर आप प्राइस गेस करने का बोलोगे, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो है 25,000 के अंदर देखने को मिलने वाला है अपने इंडिया में। और लॉन्च की अगर हम बात करें, तो ये नेक्स्ट मंथ चाइना में पहले जाएगा, फिर उसके बाद में हमारे इंडिया में देखने को मिल जाएगा, यानी कि दिसंबर एंडिंग या फिर जनवरी में आपको देखने को मिल जाएगा अपने इंडिया में। तो दोस्तों, मैंने इस फोन से रिलेटेड आपको सारी जानकारी दे दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और मैं आपकी नोटिफिकेशन में बहुत ही जल्द आऊंगा। जब तक के लिए आपकी स्क्रीन पे दो वीडियो आ रहे होंगे, वीडियो देखो और एंजॉय।